नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों के बारे में और जानेंगे कि कर्क राशि के लोगों का लकी चार्म क्या होता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में जो चीजें कर्क राशि के लोगों के लिए लकी चार्म मानी जाती है। यदि आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप लोग कर्क राशि के जातक माने जाते हैं। दोस्तों, यदि बात करें राशि चक्र की तो राशि चक्र में कर्क राशि चौथे स्थान पर आती है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। कर्क राशि एक चर राशि मानी गई है। कर्क राशि का प्रतीकारात्मक चिन्ह केकड़ा होता है। यदि बात करें कर्क राशि के लोगों की तो कर्क राशि के लोग कल्पनाशील माने जाते हैं। शनि और सूर्य जातक को मानसिक रूप से अस्थिर बनाते हैं, जिसके कारण से कर्क राशि के लोगों में अहम की भावना बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्क राशि के लोगों को अपने जीवन में शनि और सूर्य को मजबूत करना चाहिए। यदि कर्क राशि के लोगों के जीवन में शनि और सूर्य मजबूत स्थिति में होते हैं तो इस कारण से कर्क राशि के लोगों के जीवन में अहम भावना कम होती है, जिस कारण से कर्क राशि के लोगों का दूसरे लोगों के साथ मधुर और अच्छे संबंध होने लगते हैं। दोस्तों, यदि बात करें कर्क राशि के लोगों के लकी चार्म के बारे में तो कर्क राशि के लोगों के लिए चांदी का चंद्रमा लकी चार्म माना जाता है। इसीलिए कर्क राशि के लोगों को अपने जीवन में चांदी से बने चंद्रमा को अपने गले में धारण करना चाहिए या फिर अपने पास रखना चाहिए। ऐसा करने से कर्क राशि के लोगों को उनके जीवन में उन्हें अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। कर्क राशि के लोगों के लिए लेडी बग नामक कीड़ा भी बहुत लकी माना जाता है। इसीलिए यदि कर्क राशि के लोग अपने घर या ऑफिस में लेडी बग नामक कीड़े की फोटो या तस्वीर लगाते हैं तो ऐसा करने से भी कर्क राशि के लोगों का भाग्य प्रबल होता है और उन्हें अपने हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सीप और कौड़ियों को भी बहुत लकी और शुभ माना जाता है। यदि कर्क राशि के लोग अपने पास सीप और कौड़ियों को रखते हैं तो ऐसा करने से भी कर्क राशि के लोगों का भाग्य सदैव प्रबल रहता है। दोस्तों, लकी चार्म एक ऐसी चीज होती है जो आपके दुर्भाग्य को आपके सौभाग्य में बदल देता है और आपको सदैव बुरी चीज और बुरे समय से बचाए रखता है। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।